अभी मैं ऑफिस से घर पहुंचा, रात हो गई है, खाना खाने का भूख तो लगी है बट तबीयत अच्छी नहीं है, बना सकता नहीं, हिम्मत नहीं हो रही है, कपड़े उतारे हैं। सुबह मैंने रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, एक रोटी बच गई थी ये देखिए, बट ये बहुत कड़ी हो गई है, खुद बनाई है मैंने, देख खाऊंगा। घर में कोई और है नहीं, फीवर है, तो ये देखिए मेरी रोटी और मेरी सब्जी। अच्छा है, कड़ी रोटी है बट अच्छी लग रही है, भूख लगी है, बनाने की इच्छा हो नहीं रही है। थोड़ा सा खरबूजा रखा है, आधा होगा ये देखिए उसमें, इसको खाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर लगेगी भूख ज़्यादा तो संतरे एक दो रखे हैं, देखूंगा सही हैं कि नहीं। आपने खाना खाया कि नहीं पता नहीं, आप सब मेरे जितने दोस्त हैं, अच्छी लग रही रोटी। जब कोई अकेले रहता है तो ये मुसीबतें आती हैं। खैर, पेट को जाना चाहिए कुछ। सूखी मिर्च है काफी दिन की, इसको खाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। हमारे पास सब कुछ है फिर भी खाना नसीब नहीं होता है। सब कुछ हमारे पास, गाड़ी है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कष्ट देने के लिए पैदा होते हैं। पड़ाव है जिंदगी का, गुजर जाएगा। मैं देखिए कितना बड़ा सा घर है, अकेले रहता हूँ उसमें, मैं सामान भी नहीं मेरे पास ज़्यादा, खुद बोलता हूँ तो खुद ही सुनता हूँ, खुद में ही मेरे कान में ही आवाज़ आती है। अच्छा है, खुद से बातें कर लो। हम सभी बहुत सारे मुश्किल में लोग हैं, सबका वक्त कट जाता है, मेरा भी कट जाएगा। आपको मैं दिखता हूं ना टीवी पे, बहुत खड़ूस सा लोग बोलते हैं मुझे, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलता है, बट मैं जैसा टीवी में हूं वैसा हूं नहीं। अगर मुझे ज़्यादा भूख लगेगी, थोड़ी सब्जी है ये, बनाने की हिम्मत है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा राइस बना लूँगा, इसका रस है थोड़ा सा, उसी से खा लूँगा। और क्या करेंगे आप, इतनी रात को सोएंगे, आपको बुखार है, फीवर है, नहीं खाएंगे तो कौन देखेगा आपको। तो आपको हमेशा खुद की हेल्प करनी है, हमेशा खुद की हेल्प नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। आप खुद मजबूत होंगे ना, बहुत स्ट्रांग होंगे तभी आपको पूछेंगे लोग, वरना कोने से निकल जाएंगे साइड से।
यही जीवन है, यही है जीवन के रंग रूप। बट अपने माँ बाप को बहुत चाहता हूँ, होते ही माँ बाप ऐसे। जीवन में अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो सिर्फ आपके माँ बाप हैं, वही हिम्मत देते हैं और वही हिम्मत लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और मैं अपने एडवोकेट से मिलने आया। इसी दौरान देखा कि मेरी वाइफ, उसकी भाभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये सोचा और मैं सीधे निकला हूँ। उन लोगों ने भी मुझे शायद देखा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग धमकी अमकी का या कुछ ऐसा, इसीलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ताकि एलिगेशन हम पे कोई और ना लगे इतने झूठे एलिगेशन लगाने के बाद में।